क्या रोमन ने नाइट ऑफ चैंपियन के लिए अपना मास्टर प्लान तैयार कर लिया है? क्या सच में रोमन के लिए अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल हासिल करना आसान हो चुका है? क्या नाइट्स ऑफ चैंपियन की रात हमें रोमन के हाथ में चार चार टाइटल देखने को मिलेंगे? क्यों रोमन दी उसोस को सब चीजों से दूर रख रहे हैं? तो गाइज, रिसेंट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमें रोमन के मास्टर प्लान की थोड़ी सी झलक देखने को मिली थी। उनके मास्टर प्लान में इंक्लूड किया गया है जजमेंट डे को। केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन ने रोमन को वार्निंग दी थी कि रोमन तो बच्चा है, हम तो उसको हरा देंगे। हमारे साथ जब उसका मैच हुआ था हम तो उसे हराने वाले थे, मगर वो अपनी टीम की वजह से बच गया था। लेकिन बेचारे केविन और सुखड़ी दादा सैमी ज़ेन को खबर नहीं थी आपके पापा रोमन ने आपके लिए एक प्लान तैयार कर रखा है, जिसमें रोमन ने उनको इंजर्ड करने के लिए जजमेंट डे को भेजा था। और रोमन सब चीजों का हाल गुलगुले पॉल हैमन से ले रहे थे, और अब रोमन के प्लान में दम लग रहा है और ऐसा लगता है चैंपियनशिप का मैच वो जीत जाएंगे, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि रोमन शुरुआत से ही स्टोरी लाइन में प्लानिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। और इस मैच के लिए वो काफी ज्यादा सीरियस हैं और वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए उन्होंने दी उसोस को कोसों दूर कर रखा है इस मैच से। क्योंकि दी उसोस के होते हुए और रोमन को जजमेंट डे की मदद लेनी पड़ गई है, ऐसे में क्लियर होता है कि रोमन को दी उसोस पर अब घंटा भी ट्रस्ट नहीं रहा है। अब नाइट ऑफ चैंपियन की रात काफी ज्यादा नजदीक आ चुकी है। इससे पहले रोमन स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसमें वो अपने प्लान को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे और बताएंगे केविन और सैमी ज़ेन की मोटू पतलू की जोड़ी को वो कैसे चुटकियों में हरा देंगे। और गाइज, ऐसा भी हो सकता है कि जजमेंट डे का वो इन्वॉल्वमेंट मैच वाले दिन देखने को मिल सकता है। शायद रोमन ने जजमेंट डे को तगड़ा लालच दे दिया है कि तुम हमारी मदद करो और बदले में तुम्हें हम WWE में सबसे स्ट्रॉन्ग टीम बना देंगे। तो गाइज, आपको क्या लगता है, क्या रोमन सच में अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन बनेंगे या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोस के लिए। धन्यवाद।